गया है वो सोच जो लोग कहते हैं दिव्यांग व्यक्ति शरीर से कमजोर होता है वो कुछ कर नहीं सकता। मैं कहता हूं कुछ करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, शरीर का हष्ट पुष्ट होना जरूरी नहीं। व्यक्ति के पास मन, सोच, डेडिकेशन, एक सपना होना चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपने पूरा करने के लिए। शरीर की ताकत नहीं, मन और सोच और विश्वास की ऊर्जा चाहिए। अगर व्यक्ति के पास ये है, शरीर से कितना ही कमजोर क्यों न हो, शरीर का कितना हिस्सा कमजोर क्यों न हो, व्यक्ति के पास कुछ करने की तमन्ना है, अपने परिवार के नाम ऊंचा करने के लिए सपना है, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है और अपने मातृभूमि के लिए कुछ विश्व स्तर पर अगर कुछ हासिल करना चाहता है, तो मैं कहता हूँ इस कार्य के लिए मैं खुद इसको प्रूव्ड कर चुका हूँ, शरीर की ताकत नहीं, मन और सोच विश्वास चाहिए। जब मन और सोच विश्वास होता है तो किसी भी कार्य करने के लिए, चाहे दिव्यांग हो चाहे जो दिव्यांग नहीं हो, सब बराबर होते हैं। जो व्यक्ति में अगर कमजोरी है, शरीर से कितना ही हष्ट पुष्ट है, अगर उसके पास कुछ करने की तमन्ना नहीं है, सपना नहीं है, ड्रीम नहीं है, वो सिवाय बहाने के कुछ नहीं कहता। शरीर से कितना ही कमजोर क्यों ना हो, उसके पास सपना है, रोड मैप है, पालेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी युवा हैं, कभी आप अच्छा, मैं मैच देख रहा था, खिलाड़ी इसीलिए नहीं बनता, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए। खेल इसीलिए भी खेला जाता है, जिंदगी को सही तरीके से सकारात्मक रूप से जी लेना ही सबसे बड़ा खेल होता है, वो भी एक खिलाड़ी होता है। आप सभी जो खेल से जुड़े हैं, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और रवि जी ने जो कार्य कर रहे हैं इनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आने वाले भविष्य में मेरे से भी कहीं भी अवसर मिले तो मैं जरूर आऊंगा। और लास्ट में कहता हूँ, जो दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा में ही मध्य प्रदेश के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हूँ जो यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत सी प्रतिभाएं देहातों में, गाँव में, सब जगह हैं, मगर उनके पास लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। हम और आपकी जिम्मेदारी बनती है गांव देहात पर लैक ऑफ नॉलेज को खत्म कर एक पुल बनाना होगा और बताना होगा, स्पोर्ट से जुड़कर समता और सम्मान के साथ आगे बढ़ना होगा। और लास्ट में कभी भी अपनी कमी को, जो भी जीवन में होता है, उसको कभी नकारात्मक नहीं सोचा, हमेशा सोचना चाहिए। जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते, होती सफलता उन्हें ही है, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आप कभी भी सिंपैथी के कारण ना बने, कभी भी आप सिंपैथी के कारण ना बने, हमेशा प्रोत्साहन सिंपैथी से व्यक्ति अगर आप कारण बनोगे तो आपको सहारा दे सकता है, मगर आपने अपनी कमी को ताकत बना ली तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में जिस जगह रहते हैं, जिस जगह खेलते हैं, वो जगह आपको प्राउड फील करेगा। जिस प्रदेश के लिए खेलते हैं वो प्रदेश प्राउड, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरे को सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, जय।